दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आवास, जिसे कहें शानदार मुख्यमंत्री आवास, उसे लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इसने नोटिस जारी किया है दिल्ली सरकार और PWD को। क्या है पूरा मसला, हम गौरव बंसल जी से बात करते हैं, जो NGT में इस मामले में जो जिन्होंने याचिका दायर की है उनके वकील हैं। ये आखिर पूरा मामला क्या है जिसकी पूरी चर्चा है, क्या वही मामला है? देखिए, पूरा मामला ये है कि दिल्ली सरकार को, एक जो दिल्ली सरकार ने एक अपना एक आलिशान जो आपने बताया बंगला बनाया है, तो वो उस तरीके से बनाया जिसमें बंगला नहीं, वो प्रमाइसेस है पूरा जी, तो प्रमाइसेस कह लीजिए, शीश महल कह लीजिए, और वो इस तरीके से बनाया जहाँ पे कि एनवायरमेंटल जो सारे के सारे नॉर्म्स है, कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई। इसका एक साधारण सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि DUAC दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के अंतर्गत बनी हुई बॉडी है, उसमें इनका जो जिम्मा है वो ये है कि एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से डिजाइन बने और उसके अकॉर्डिंग ही काम हो। अब इस केस में क्या होता है कि जब बिल्डिंग प्लान सबमिट होता है तो DUAC की मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होती है, जिसमें कहते हैं वो कि बिल्डिंग प्लान जो बना है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कहा गया वो ग्रीन एरिया को लेकर कहा गया कि ग्रीन एरिया पर्याप्त नहीं है। मगर आपाधापी में, और दिल्ली सरकार का ये तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा खास आदमी है और ऐसे कौन सा खास काम था जो आम आदमी पार्टी इस तरीके से करना चाह रही है। तो उन्होंने आपाधापी में इसको जल्दी से बनाया, साथ में जो एक दिल्ली सरकार का खुद का ऑर्डर है 2009 का, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको 10 से ज्यादा पेड़ कटने हैं तो एक ही एप्लीकेशन फाइल करनी है और उसमें आपको परमिशन लेनी है सेक्रेटरी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से। अब इस केस में क्या होता है कि दिल्ली सरकार इस ऑर्डर से बचने के लिए, क्योंकि वहां पे नियम कड़े हो जाते हैं, क्योंकि 10 से ज्यादा पेड़ आप एक साथ काटते हैं तो नियम और कड़े हो जाते हैं, इन्होंने इस ऑर्डर को सर्कमवेट करने के लिए करीब करीब इन्होंने 25 पेड़ या जो काटे हैं उसको इन्होंने टुकड़ों में बांट दिया और सबको ये दिखाया कि 10 से कम ही है। तो इन्होंने 5 सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करी, जिसमें एक में दिखाया 9 पेड़, एक में दिखाया 6 पेड़, दूसरे में भी 6 पेड़, एक में 2 पेड़ और दूसरे में 5 पेड़। तो ऐसे क्यों करा ये केजरीवाल साहब भी बता सकते हैं या PWD डिपार्टमेंट बता सकता है जो उनके अंडर में आता है। तो एक कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कट्टर हैं इसलिए काटने से बचना चाहते हैं एक साथ इतने पेड़? सर अब ये मैं नहीं बता सकता, मैं तो कानून की बात कर सकता हूँ कि कानून क्या कहता है। तो कानून ये कहता है कि आपको एक ही एप्लीकेशन देनी थी, तो इन्होंने इसको भी आप कह सकते हैं विलफुली नजरअंदाज करा और इसका भी एक वायलेशन करा। साथ में जब इन्होंने जो परमिशन ली इन काटने के लिए, उसमें था कि करीब करीब आपका थंब रूल है एनवायरमेंट में, जब आप पेड़ काटते हैं कि एक पे आपको 10 पेड़ लगाने, कंपलसरी प्लांटेशन की बात जो हम बात करते हैं, तो 280 ट्री सैपलिंग्स लगाने थे जिसकी जो ऊंचाई होनी, लंबाई जो होनी थी वो 6 से 7 फीट के आसपास जरूर होनी चाहिए। इसमें भी यहां पर भी ये नहीं कुछ कर पाए, और करीब करीब अभी के समय में जब 1 मई को इंस्पेक्शन करा गया इन्हीं के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, पाया गया है कि यहां पर इन्होंने करीब करीब सिर्फ 19 पेड़ अभी के हालात में है और 180 के आसपास वो खाली पड़े हैं, जो इन्होंने गड्ढे भी नहीं भरे अभी तक। तो एक बड़े शर्म की बात है, जो आदमी इस चीज को कहते हुए आया कि मैं आम आदमी हूं, जिसका एफिडेविट है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भी कि मैं कभी कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, और वो इस तरीके की आपाधापी करे और इतनी जल्दी क्या उस शीश महल में जाने की, ये सब क्वेश्चन तो फिर जनता बताएगी और आप बताएंगे। सवाल ये है कि भाई कभी कोई बंगला नहीं लूंगा लेकिन बंगले ले सकता हूं, तो ऐसे में अब ये मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सामने है और इसमें देखना दिलचस्प होगा कि नोटिस का जवाब क्या आता है, किन सारे तर्कों को साथ लेकर दिल्ली सरकार और PWD सामने आते हैं, जिसमें वे बताएंगे कि कितनी ट्रांसपेरेंसी रही कानून में और जो अमल हुआ है उसमें लेकर, क्या कहीं कोई गफलत रही है, गफलत रही है तो क्या रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। यानी ये मामला बहुत दिलचस्प रहने वाला है, आप भी हमारे साथ देखते रहिए।